तो रेस्टिंग पीडीए फैमिली बस दो हफ्तों में WWE का नेक्स्ट पेपरव्यू बैकलैश देने वाला है और इस साल बैकलैश के लिए अभी तक WWE ने 5 मैचेस कंफर्म कर दिए हैं और इसलिए आज की इस वीडियो में हम उन सब मैचेस के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इन मैचेस के अलावा और कौन कौन से मैचेस इस साल बैकलैश में आपको देखने मिल सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो बहुत सालों के बाद रेसलमेनिया में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को मैच जीते हैं और सेथ ने लोगन पॉल को रेसलमेनिया में हराने के बाद इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में द मिस को भी हरा दिया। लेकिन अब बैकलैश 2023 में सेथ बहुत बड़ा चैलेंज फेस करने वाले हैं और इस चैलेंज का नाम है ओमास। तो WWE ने अनाउंस कर दिया कि बैकलैश 2023 में सेथ रॉलिंस का सिंगल्स मैच होगा ओमास के साथ और WWE ने ये बोला है कि ओमास रेसलमेनिया 39 में ब्रॉक लेसनर से जो हार गए थे उसका गुस्सा वो बैकलैश में सेथ के ऊपर निकालना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि इस मैच में चलाकी दिखाकर सेथ रॉलिंस ओमास को हरा देंगे और वो उनका विनिंग स्ट्रीक अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में जब बॉबी लैशली और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी का मैच हुआ था तो ब्रॉन्सन रीड की इंटरफेरेंस की वजह से ये मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया। लेकिन अब WWE ने अनाउंस कर दिया है कि रेसलमेनिया बैकलैश में ऑस्टिन थ्योरी उनकी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे बॉबी लैशली और ब्रॉन्सन रीड से। और क्योंकि लैशली और ब्रॉन्सन रीड का फ्यूड स्टार्ट हो गया है इसलिए इन दोनों के फाइट के चक्कर में ऑस्टिन थ्योरी फायदा उठाएंगे और वो ब्रॉन्सन रीड या लैशली का पिनफॉल करवाकर ये मैच जीतने के बाद थ्योरी उनका टाइटल रिटेन कर लेंगे। तो रेसलमेनिया 39 में शार्लेट फ्लेयर को हराकर रिया रिपली नई स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बन गई हैं और वो अब ये चैंपियनशिप इस साल बैकलैश 2023 में डिफेंड करेंगी ज़ेलिना वेगा से। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से रिया रिपली को WWE ने अभी तक पुश दिया है मुझे लगता है कि इस मैच में रिया रिपली जीतेंगी ज़ेलिना वेगा को हराकर। तो WWE ने 6-man टैग टीम मैच भी अनाउंस कर दिया है इस साल बैकलैश के लिए, जहां एक तरफ यूनिफाइड टैग टीम चैंपियन सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस टीम अप कर रहे हैं मैट रिडल के साथ और ये तीनों फेस करेंगे टीम ब्लडलाइन के जिमी और जे उसो और उनके छोटे भाई सोलो सिकावा को। और मुझे लगता है कि इस मैच में टीम ब्लडलाइन के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इस साल बैकलैश 2023 का मेन इवेंट हम सबको पता ही है कि वो होने वाला है अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और कॉडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का मैच फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। और जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि WWE साल समर स्लैम में रोमन वर्सेस कॉडी रोड्स फिर से करने वाले हैं, इसलिए बैकलैश में WWE कॉडी रोड्स को ही पूछ देंगे उन्हें ब्रॉक लेसनर से जितवाकर, या फिर शायद ब्रॉक लेसनर इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से हार भी सकते हैं। पर ज्यादा चांसेस इस मैच में इसी बात के हैं कि कॉडी रोड्स जीतेंगे या तो ब्रॉक का पिनफॉल करवाकर या फिर डिस्क्वालिफिकेशन से। वैसे आप लोग ब्रॉक और कॉडी रोड्स के मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हो कमेंट करके सब साथ शेयर करें। और इसके अलावा ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच का भी मैच देखने मिल सकता है बैकलैश में। और भले ही इस साल बैकलैश में रोमन रेंस का कोई मैच नहीं हो लेकिन रोमन उनके भाइयों की मदद करने इस साल बैकलैश पेपरव्यू में आ सकते हैं। और मैं आपसे जल्द मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।